हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, चैप्टर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 11वीं क्लास 12वीं क्लास CBSE वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस NIOS बोर्ड में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस UP बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। ये जो है आपके समक्ष होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का डोस आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जो बात रहती है इसमें हम जो पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और इसमें किस में कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, ये सारे कुछ होगा और बहुत ही जो है चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो है अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है, जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्रेंड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय देयर अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। हियर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज इज द प्रोसेस बाय अ सेलेक्ट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजेनेसिस इन देम। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्राइमरी कन्फाइंड टू बी माइक्रोबायो सेल्स लाइक अ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी इंडिपेंडेंट एंड अ फ्री लिविंग। फ्रेंड, देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ डिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेयर शो इन दिस टेबल। हियर सम फ्री लिविंग माइक्रो विच द फिक्स नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ क्लासोट्रीडियम। क्लासोट्रीडियम्स इज अ एनरोबिक बैक्टीरिया, हेयर इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक्स इज अ स्टेटस। एंड सेकेंड इज Globigerina is the Diraphaculoides bacteria is a non-photosynthesis in the status, and Azotobacter is the aerobic bacteria. There is a non-photosynthesis in the status, and the Radospore Darialum. The Radospore Darialum is their purpose non-sulfur bacteria photosynthesis. The Radopadalium bacteria is the most important for the purple non-sulfur bacteria on the exam view and the PMT question also. Next is Anabina. Anabina is there is the cyanobacteria. It is the most important of photosynthetics only. There is a processing of photosynthesis is a some other important
question from here. Some microbes may become associated with their other organism and the fixed nitrogen. Their host organism may be a lower plant or higher plant. The host organism and the nitrogen fixing microbes establish a special relationship is called symbiosis. Their special relationship is called to the symbiosis because nitrogen fixation microbe. There and this is the result is a symbiotic nitrogen fixation. Here, so in this table, some symbiotic nitrogen fixing organism. The first of system is a lichen. There is a symbiontes is a cyanobacteria and fungus. A second is a bryophyta. Bryophyta is there a cyanobacteria and the anthroceras. Anthroceras is example is a symbionts. And the pteridophyta. Pteridophyta is a cyanobacteria and the azolla. Azolla and the example. The next is the gymnosperm. Gymnosperm is there is the cyanobacteria and the cycas. The next is angiosperm. Angiosperm is the ligaments and the rhizobiums. They're important example for the PMT questions. And angiosperm is a non-leguminous plant and the ectosomycete. Entomycete is the such as a Luna as a Marica and Pirusa. There is a, another is a angiosperm. Angiosperm is a Brazilian grass. The Brazilian grass is the most important example of angiosperm. The Retrodius is the scientific name and corn and the Azosporulinum. Azosporulinum is the scientific name here. पर बात रखता है कहते नाइट्रोजन सीकरण कुछ विशेष जीवों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि उनमें एक विशेष एंजाइम नाइट्रोजन जीनस पाया जाता है क्या पाया जाता है नाइट्रोजन जीनस पाया जाता है जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट यहां योगदान देता है कहते हैं इसमें जो होता है नाइट्रोजन सीकरण की प्रक्रिया होती है यह मुख्यतः सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं जैसे जीवाणु तथा जो है एनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग होती है जिसको हम एनोबैक्टीरिया को जो हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं जो आप भी छोटे क्लास में पढ़े होंगे नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं एक तरह से देखा जाता है काई के रूप में होते हैं ये सूक्ष्म जीवी जो है आत्मनिर्भर तथा मुक्त रूप से रहते हैं यानी ये आत्मनिर्भर रहते हैं इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अब देखते होंगे जहां पानी चलती है वहां काई लग जाती है तो नील हरित शैवाल देखना आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया गया है इसके पश्चात कहते हैं कुछ जो है मुक्ति जीवी जो है सूक्ष्म जीवो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर स्थिरीकरण करते हैं देखिए एक तरफ तो है सूक्ष्म जीव दूसरी तरफ है स्थान जहाँ कहाँ स्टेटस पे करते हैं तो इसमें जो है सबसे पहला जो है क्लास्टोडियम क्लास्टोडियम जो होती है दोस्तों अवायवी जीवाणु है यानी अवायवी है ये और ये प्रकाश संश्लेषित जीवाणु है यानी अप्रकाश संश्लेषित जीवाणु है यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है ये अपना जीवन यापन करती है इसलिए इसको अवायवी जीवाणु भी कहते हैं यानी वायु की अनुपस्थिति में जो है अपना जीवन करता है इसका नाम क्या है दोस्तों क्लास्टोडियम्स जो है इसका नाम है नेक्स्ट है क्लोबेलेसिला ठीक है जो क्लोविसेला है वो भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विकल्पी जीवाणु है ये विकल्पिक है ये भी अप्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है जो कि इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उसके पश्चात तो आपको पता है कि नाम सुना सा लगता है जैसे एजोबैक्टर जो होती है वायवी जीवाणु होती है यानी वायु की उपस्थिति में ही जो है अपना क्रिया करती है इसलिए इसको अप्रकाश संश्लेषी भी रहते हैं क्योंकि वायवी जीवाणु है लेकिन इसका जो स्थान होता है प्रकाश अप्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करता है उसके बाद रेडोस्पोलियरियम ठीक है जो रेडोस्पोरियम जो होता है ये बैगनी गंधकहीन जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करते हैं कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन से जीवाणु जो रहते हैं ठीक है जो मुक्ति जीवी में आते हैं तो इसमें जो है आपके समक्ष दो ही नाम रहता है रेडोस्पोरियम ठीक है और एक है एनाविना एनाविना भी उसमें से एक है जिसमें एनाविना जो है कहते हैं ये जो है साइनोबैक्टीरिया होता है ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना जीवन यापन करता है जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है कहते हैं यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों अन्य जीवों में साथ मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जैसे पोषित जीव निम्न
कुल के पौधे अथवा उच्च पादप समूह से हो सकते हैं। पोषी जीव तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच का एक विशेष संबंध स्थापित करता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं जिसे सहजीवी भी कहते हैं, यानी इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों सहजीवी दिया गया, यानी सिम्बायोटिक्स नाम से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तथा यह जो है प्रक्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहलाता है, यानी इसी को जो हम है क्या कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी रहता है और आपके लिए भी है। कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीव जो है जिसको आपको जानना चाहिए और आपके दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो लाइकेन आता है, ठीक है। लाइकेन जो होता है साइनोबैक्टीरिया होती है, जो जिसे हम नीलहरित शैवाल एवं कवक की विधि विविध जातियों के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपके समक्ष जो है बायोफाइटा है, बायोफाइटा जो होती है साइनोबैक्टीरिया एवं जो है एंथ्रोसिरोस, एंथ्रोसिरोस के साथ जो है अपना ये जीवन यापन करती है। उसके पश्चात है टेरोफाइटा, टेरोफाइटा जो होती है दोस्तों टेरोफाइटा आप देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला के साथ अपना रिएक्ट करता है, यानी इसका जो होता है जीव कौन सी होती है साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला। उसके बाद है अनावृत बीज पौधे, अनावृत बीज पौधे होते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया एवं जो है साइकस के पौधे आ जाते हैं, इसमें जितने भी साइकस के पौधे होते हैं वो अनावृतीय पौधों में ही आते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो आपको पता है कि दलहनी पौधे होते हैं जिसमें ग्लूकोस एवं राइजोबियम्स पाया जाता है, ये तो आपको नॉलेज ही है। उसके पश्चात हमारा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं नॉन लेग्यूमिनस यानी एक्टिनोमाइसिटिस यानी कवक जैसे कि एलाइंस मायरिका और पैरसस इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात हमारा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो दोस्तों होते हैं वो ब्राजीलियन घास के रूप में होते हैं जिसमें जो है डिजिटेरिया मक्का एवं जो है एंजोस्टियम्स पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। द अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फ्रेंड व्हाट यू मीन टू मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो हियर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज द मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर टू रिड्यूस और नाइट्रोजन लाइक अ रिड्यूस FAD, FAD मीन टू फ्लेवेंस एडिमाइन्स डाइक्निक्लोराइटाइड्स एंड द रिड्यूस टू NAD, NAD मीन टू द नेक्टोटीमाइड्स एंड एडेनाइन डाइक्लोराइड्स। देयर इज इंपॉर्टेंट अ सोर्स ऑफ एनर्जी ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP टू ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम NADH2 और FADH2 और डाई नाइट्रोजन्स। एंड देयर इज एंजाइम नाइट्रोजेंसिस, द एंजाइम इज नाइट्रोजेंसिस इज अ फिफ्थ पॉइंट इज अ कंपाउंड फॉर ट्रैपिंग्स एंड अमोनिया for me it is a sign it is a toxic to the cell. The reducing agent NADH2 and the FADH2 and ATP are provided by the photosynthesis and respiration. There is important to the ATP for the energy. The overall biochemical process involving to step view reduction of nitrogen to be ammonia. The enzyme nitrogenesis is MOFE containing protein and bind with their molecules of nitrogen and to add their binding site. This molecules of nitrogen is then acted upon to the hydrogen from the reducing coenzyme and reduced in the stepwise manner. It is the first produce of diamides is N2H2, there is a hydromine, the N2H4 and finally ammonia is a 2NH3, their formation of ammonia. Ammonia is not be liberated by their nitrogen fixture. It is a toxic to the cells and therefore there's a fixed combined NH3 with the organic acid in the cell and form a ammonia acid. The general equation for a nitrogen fixation may be described as a following. So here the equation is N2 plus 6, 16 ATP plus 8H positive plus HE negatives is a formation of 2NH3 ammonia plus release of 16 ADP plus 16 PI plus. So the molecules of nitrogen is a very stable molecules. The molecules of nitrogen is a very stable molecules. Therefore, a sufficient amount of cell energy in the form of ATP is required for the stepwise reduction of their nitrogen to ammonia. In a genomes is a nitrogen fixation occur in a specially body called root nodules. There is a nodule is a developed due to
इंट्रैक्शन बिटवीन टू द बैक्टीरिया राइजोबियम्स द रिएक्टिविटी ऑफ राइजोबियम्स एंड देयर लेजम टू रूट सी द फिगर एंड देयर biochemical step of nitrogen fixation are named. However, to the lemons in nodules is a pose of specially protein is called LEGHEMOGOBIN, lemoglobins. There is a synthesis by the haloglobins in the result of symbiosis as a vicious ether bacteria along nora lesmi in the plant along process the protein. Recently, it has been to showing that a number of host genes are involved to achieve this. In addition to the hemoglobins, can homoglobins as groups of proteins called nodulines are also synthesized, which is a help with the establishing symbiosis and maintain to the novel fiction. In addition to the Oligohemoglobins, or groups of proteins called nodulins, are also synthesized, which help with the stabilizing to the symbiosis and maintain the nodal functioning. Here, oligohemoglobins is produced as a result of the interaction between two bacteriums and ligomes roots. Apparently, the rhizobium genes code for the hemiparts and the ligomes root cell is the genes coded for the globins. Moiety. Both the quantities of product together constitute their final protein, oligohemoglobins. Due to nitrogen fixation, function of the oligohemoglobin is to act as an oxygen exchanger, so that enzyme nitrogenesis then is converted to N2 to ammonia under to the anaerobic condition. Here, so in this diagram, there is a host plant cytoplasma and other side is the rhizobiums in the noodle. There is a leg hemoglobins in the TCA cycle, ETCS chain and frodoxin. There is a converted to a keto acid and the ATP is also released here. And it resides and the other ammonia acid is a formation. And the secondly, the ammonia is also formation. The other side nitrogen, dimodase, hydrogens and the formation. Then next is There is a nitrogenesis, Fe and the FeMO is a complex. And the nitrogenesis is a Fe and the FeMO complex. And there are nitrogen FeMO complex is a formation of ammonia. So simplify the flash sheets of the biochemical step of nitrogen fixation. The leg hemoglobins is considered to lower down to the partial pressure of the oxygen and help in a nitrogen fixation. However, this function is specific for the oligohemoglobins is only because the free living microbes do not pose the nitrogen fixing is the oligohemoglobins. Moreover, it has also not been found in the cyanobacteria symbiosis with the other plant, which is a fixed nitrogen under to aerobic condition. यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको देख ही सकते हो कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है. देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. कहते हैं इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. यानी इसमें जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है महत्वपूर्ण है. इसमें आणविक नाइट्रोजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. उसमें नाइट्रोजन को अपचयित करने के लिए उच्च अपचायक क्षमता वाले अणु जैसे FAD यानी फ्लेविन्स एडिनिन डाइनिक्लोयोटाइड्स. ठीक है, तो ये FAD का फुल फॉर्म भी है, फ्लेविन्स एडिनिन ट्राइनिक्लोटाइड्स, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है. कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. उसके पश्चात यहाँ पर है ड्राई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संस्थापित करने के लिए ऊर्जा स्रोत यानी ATP. यानी डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्थापित करने के लिए जो है ATP की बहुत ही आवश्यकता होती है. ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये याद रखना आप. ठीक है, नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम. उसके पश्चात तीसरा में आता है नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम. कहते हैं फिफ्थ जो है बनने वाले अमोनिया को ग्रहण करने वाले यौगिक, क्योंकि अमोनिया कोशिका के लिए एक विषैली होते हैं. यानी ये काफ़ी विषैली की तरह इसका जो है रिएक्ट होता है. कहते हैं अपचायक एजेंट एवं ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होते हैं. यानी अपचायक एजेंट एवं जो है ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होती है. कहते हैं संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया में जो है चरणबद्ध ढंग से नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन होता है और नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम जो है मेली डिवेनोमस एवं आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं तथा आणविक नाइट्रोजन के बंधन स्थान पर जुड़ा रहता है. नाइट्रोजन का यह अणु हाइड्रोजन से क्रिया भी करता है. कहते हैं हाइड्रोजन अपचयित एंजाइम से प्राप्त होती है. यानी ये एंजाइम से जो होती है प्राप्त होती है.
कहते हैं इसकी अपचयित होती रहती है और ये पहले डाई एमाइड यानी एन टू एच टू में कन्वर्ट होता है, यानी डाई एमाइड्स में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात जो है ये हाइड्रोजाइन्स में यानी एन टू एच फोर में होता है तथा अंत में जो है अमोनिया यानी टू एन एच थ्री में बना देता है। तो इस तरह से जो है हमारा अमोनिया की जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके लिए दो प्रोसेसिंग होता है एन टू एच टू, ठीक है, उसके पश्चात जो है एन टू एच फोर में होता है, फिर जाके अमोनिया यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। कहते हैं अमोनिया नाइट्रोजन स्त्री कारकों द्वारा मुक्त नहीं होती है क्योंकि अमोनिया कोशिकाओं के लिए एक विषैली होती है। अंततः स्त्री कारक अमोनिया एवं कार्बनिक अम्लों को मिलाकर एमिनो अम्मन बना देता है। यानी स्त्री कारक अमोनिया जो है कार्बनिक अम्लों से मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, एमिनो अम्ल बना देता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न प्रकार से सामान्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका समीकरण जो है आपके समक्ष दिख ही रहा होगा, इसमें जो है एन टू प्लस सिक्स ए टी पी है प्लस जो है आठ हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ जो है कटायन के साथ ये ज्वाइंट किया है, उसके बाद जो है अमोनिया गैस की यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हुई है और प्लस जो है 16 एडीपी जो है बाहर निकला है और प्लस 16 पीआई प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज किया है। उसके पश्चात कहते हैं कि यहाँ पर आणविक नाइट्रोजन बहुत ही अस्थायी अणु है। अंततः नाइट्रोजन को चरणबद्ध ढंग से अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कोशिका ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, यानी एटीपी के रूप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका ऊर्जा के लिए में जो बहुत ही आवश्यक मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते दलहनी पौधों यानी जो है लेग्यूमस, दलहनी पौधे तो आप जानते ही होंगे जो जिसे दाल उगती है, दाल वाले पौधे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके जड़ों में जो होता है राइजोबैक्टर नाम के जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम्स नाम के बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कन्वर्ट करके पौधे के लिए जो है उचित नाइट्रोजन जो है उपलब्ध कराता है। तो कहते हैं दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशेष भाग में होता है जिसमें हम गंत्रिका यानी नोडल्स कहते हैं, यानी कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ग्रंथिका में पाया जाता है जिसको हम नोडल्स कहते हैं। ठीक है, ग्रंथिका का निर्माण जो है राइजोबियम जीवाणु तथा लेग्यूस के बीच परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही होती है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे, कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव रासायनिक चरण सामान्य होते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जैव प्रक्रिया होती है वो सामान्य होते हैं कई तरह। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दापी जो है ग्लूलूम्स ग्रंथिकों में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हैग हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो कि ये प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण है सहजीविता के कारण होता है, सहजीविता यानी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के कारण होता है क्योंकि इसे अकेले जीवाणु तथा सेलुलोज नहीं बना सकते हैं। अभी हाल ही में ज्ञात हुआ है कि पोषी पौधे के अनेक जीन इसके बनाने में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन जो हैगो हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त एक प्रोटीनों का समूह का भी निर्माण होता है जिसे हम न्यूरोल्स कहते हैं। यह सहजीवी संबंध बनाने तथा ग्रंथियों के कार्य को सुचारू ढंग से कार्य करने में काफ़ी मददगार भी सिद्ध होता है। कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन का निर्माण जीवाणु एवं हैगोम्स की जड़ की पारंपरिक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। कहते हैं राइजोबियम्स के जीन ही हीम का कुटन करते हैं तथा जो है ग्लियूम्स जुड़ की कोशिकाएं ग्लोबिन भाग को जो है कुटिज करती है। दोनों कुटेजों के उत्पाद मिलकर अंत में हैगो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। यहाँ पर एक डायग्राम फ्लो दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पोषी पौधे का जीव द्रव्य और ग्रंथिक में राइबोजोबियम्स पाया जाता है। वो जो होता है कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके TCA चक्र और ETA श्रृंखला पेरोडॉक्सिन बनाता है जिसके साथ जो है विभाजित हो गए कीटो अम्बल में और ATP में विभाजित कर देता है। उसके पश्चात जो है एक यूरोलाइडाइस और अन्य अमीनो अम्ल में बदलता है जिसमें अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। जब ये फॉर्मेशन हो जाती है तो ये मुख्यतः नाइट्रोजन डाई एमाइड्स और हाइड्रोजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये कन्वर्ट करके क्या करता है नाइट्रोजीनियस FeMO में सम्मिलित करता है। ठीक है, लेकिन यह जो है आयोडोमाइड जो होते हैं HNNH जो होती है नाइट्रोजन FeFO में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन यहाँ FeOM सम्मिलित जो होती है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार नाइट्रोजनीकरण में जो है जैव रासायनिक चरणों के सरलकृत बाह्यिकाएं पटिका जो है एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट भी रहा है। कहते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के आंशिक दबाव को कम भी करता है तथा नाइट्रोजनीकरण में मदद भी करता है, लेकिन यह जो है गुण केवल जो है लेग्यूमों में ही होता है क्योंकि मुक्त रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन स्त्री कारक जो हैगा हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह साइनोबैक्टीरिया युक्त सहजीवन वाले अन्य पौधों में पाया जाता है। यह नाइट्रेट एंड अमोनिया अजुमलेशन बाय द प्लांट,
फ्रेंड व्हाट यू मीन टू नाइट्रेट एंड अमोनिया असिमिलेशन बाय द प्लांट हियर एज अ पॉइंट आउट इन द प्रीव्यू सेक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्फाइंड टू द सिलेक्टेड मैक्रोब एंड प्लांट्स बट ऑल प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन बिकॉज इट हैज अ रोल टू अ प्ले इन द जनरल मेटाबोलिज्म देयरफॉर प्लांट व्हिच डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन यूज अदर कंबाइंड नाइट्रोजन सोर्स सच एज अ नाइट्रेट एंड अमोनिया फ्रॉम अ कैरिंग ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी The nitrate is absorbed by most plant and reduced to ammonia with the help of two different enzymes. The first step conversion of nitrate to nitrate catalyzed by on the enzyme is called nitrate reductase. This enzyme has several other important constituents including to the FAD and cytochromes. It means NADPH or NADH and monomeriums. Here, show the reaction NO3 negative plus NADH plus hydrogen ion. The nitrate is a reductase is a NO2 negative plus NAD plus plus H2O. The H2O is released on this reaction for the nitrate reductase case. The overall process of nitrate reduction takes place in the cytosols and is an energy-dependent reaction. The enzyme nitrate reductase has been studied in many plants and it is observed that enzyme is continuously synthesized and degraded. The enzyme nitrate reductase is inclusive for this means that increasing the nitrate concentration in the cytosols. The reduce as a more nitrate reductase to be a synthesized. However, then the excess of NH4 positive, it's a produced, then it has a negative effect on the synthesis of nitrate reductase. In the plant, it has also been observed that light also increasing the nitrate reductase when to the nitrate is available. In the second step, the nitrate so formed is further reduced to the ammonia and this is catalyzed by the enzyme nitrate reductase. Nitrate present in the cytoplasma is transported into the chloroplast or plastidized where it is reduced to ammonia. Here, so in this reaction, the NO2 negative plus 3NADPH plus 3H positive. Here, the nitrate reductase is the ammonia is a formation and plus 3NADPH is also formation. The enzyme nitrate reductase is available to the accept the electron from to the source such as a NADH and NADPH or FADH2. Besides, the reduction of redoxins has also been shown to the provides electron to the nitrate reductase from the reducing nitrate to the ammonia. The ammonia so formed has to be utilized quickly by the plant because accumulations of ammonia has a toxic effect. Some plant, including algae, is a levels out of excess ammonia which can be further via oxidized to be nitrate and nitrate by microorganism in the soil for water. देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का स्वीकरण कैसे होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ऐसे ही टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बनाता है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का स्वीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले खंड में बताया जा चुका है कि नाइट्रोजन जो है स्वीकरण केवल कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों एवं पौधों में ही होता है, परंतु सभी पौधों के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सामान्य उपचार के लिए आवश्यक होता है। अंत वह पौधे जो नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर सकते हैं वे अपनी अपचायी क्रियाओं के लिए संयुक्त नाइट्रोजन स्रोत जैसे नाइट्रेट एवं अमोनिया का उपयोग करते हैं। प्रायः सभी जो है पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रेट का अमोनिया में अपचयन दो एंजाइम द्वारा होता है। पहला तो होता है नाइट्रेट से नाइट्रेट परिवर्तन का पहला चरण नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम द्वारा जो है उत्प्रेरित होती है। इस एंजाइम के अन्य प्रमुख घटक है FAD यानी साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो होती है NADPH अथवा NADH एवं जो है मेली विडम्स के रूप में प्रेजेंट होती है। कहते हैं इसका रिएक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है देखिए NO3 नेगेटिव में है प्लस NADH जो है यहाँ पर प्लस H हाइड्रोजन है, तो नाइट्रेट रिएक्टिव डैश जो होती है उसके पश्चात क्या होगा, NO2 बोलेगा माइनस में बनेगा और प्लस NAD पॉजिटिव होगा, प्लस H2O का जो है यहाँ फॉर्मेशन होगी और जो H2O है रिलीज भी करेगी। कहते हैं नाइट्रेट अपचयन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है साइट्रोसोल यानी साइट्रोसोल में होती है
जाता है, ये अभिक्रिया ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये जो अभिक्रिया होती है सब ऊर्जा पर निर्भर करती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस का अन्य पौधों में भी अध्ययन किया गया है तथा यह देखा गया है कि इसका लगातार संश्लेषण एवं विघटन होता ही रहता है। नाइट्रेट जो है रिडक्टेस एंजाइम को प्रेरित भी किया जा सकता है तथा इसका अर्थ यह है कि साइटोसोल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है। कहते हैं परंतु नाइट्रेट आयन जो है अमोनिया की जो है अधिकतर तथा नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जो भी एक विशिष्ट बात रखती है यहाँ पर, इस पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये पीएमटी रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कहते हैं पौधे में भी देखा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में यदि नाइट्रेट की उपलब्धता हो तो नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है। अगर यही बात जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो है नाइट्रेट की उपलब्धता जो है नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात द्वितीय चरण, दूसरे चरण में क्या होता है? कहते हैं तृतीय चरण में पहले चरण में बने नाइट्राइट का जो अमोनिया में अपचयन हो जाता है तथा यह अभिक्रिया जो है नाइट्रोसाइट रिडक्टेज द्वारा जो है उत्प्रेरित होती है। साइटोसोल में उपस्थित नाइट्राइट का जो है हरित लवक में स्थानांतरण हो जाता है जहां यह अमोनिया में अपचयित हो जाता है। यहां पर जो है NO2 नेगेटिव में है प्लस 3NADPH प्लस तथा 3H हाइड्रोजन है, यानी नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए संबंधित होता है जिसमें जो है अमोनिया का ही फॉर्मेशन होती है, जैसे NH3 प्लस जो है इसमें साथ में जो होता है 3NADPH पॉजिटिव में फॉर्मेशन होती है, प्लस H2O गैस का भी जो H2O जो है वाटर है उसका भी फॉर्मेशन होती है, प्लस OH नेगेटिव का भी यहाँ फॉर्मेशन होती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस NADH और NADPH तथा FAD से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके अतिरिक्त जो है अपचयित फेरडियोक्सीन की भी नाइट्राइट रिडक्टेस की उपस्थिति में नाइट्राइट को अमोनिया में जो है अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया पौधे के लिए जो है एक तरह से विषैली मानी जाती है। तो ये जो है पौधों के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप में बहुत विषैली होती है। अंत इसका सिद्धांत से उपयोग करते हैं, यानी शीघ्रता से उपयोग करते हैं। कुछ पौधे जैसे शैवाल अधिक मात्रा में बनी अमोनिया को छोड़ते हैं जिसका जो है मिट्टी एवं जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है नाइट्राइट तथा नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण होती है, यानी ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं जिसके वजह से जो है इसको जो है पेड़ पौधे द्वारा ले लेते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है यहाँ पर। Our next topic is ammonia acid synthesis by plant. Friend, here ammonia acid synthesis by the plant is an important topic. As you have noticed that ammonia formation is achieved by the plant either by is a nitrogen fixation or second is by reduction of nitrate to nitrate. Ammonia NH4 is the most used from inorganic combined nitrogen. This ammonia is now become the major source of the production of ammonia acid, which are the build of blocks of enzymes and protein. Amino acid have two important chemical groups, amino groups NH2 and carboxyl group minus COOH. Here reaction the RH and the COOH and ammonia, the typical ammonia acid functional group. There is a functional group, so R represented alkaline group. There is a functional group and R is a alkaline group here show in this diagram. Ammonium so is produced the major source of amino group. However, the carboxylic groups has to be provided by other organic molecules synthesized by their plant. There are two major reactions for amino acid biosynthesis in a plant. The first is reductive amination reaction. The reductive amination reaction here, in this reaction, the amino is combined with the keto acid. Is a combined with the keto acid. The most important keto acid is the alpha keto glutaric acid produced during to the operation of the carbocycle. Their carbocycles is a seen in this lesson 12 plant respirations, and the keto acid is undergoes to enzymatic reductives as any amination for produce of amino acid. Here reaction is alpha ketoglutaric acid plus ammonia. Glutamate and dehydrogenase is a glutamic amino acid is present. Similarly, another amino acid is called to the aspartic acid is produced by the reductive amination of oxaloacetic acid. It has been noticed that is a reductive amination represented their major port of the entry from amino into the metabolic stream.
इन अ प्लांट एंड दिस इज नाइट्रेटेड साइंथिस बाय द ग्लूटामेट ग्लूटामेट मिक्स एसिड फ्लो बाय द अदर अमीनो एसिड. दिस नेक्स्ट इज अ ट्रांसमिनेशन ऑफ रिएक्शन. ट्रांसमिनेशन रिएक्शन मीन दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द अमीनो एसिड बाय सिंथेसिस. द रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम ऑलरेडी सिंथेसिस अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड. हियर शो इन दिस रिएक्शन द अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड इज अ एस्पारेटिक एसिड. इट्स ट्रांसमाइस इज अ ग्लूटामाइस एसिड इज अ ऑक्सो एसिटिक एसिड. देयर इज अ कीटो एसिड अमीनो एसिड. अमीनो एसिड इज अ कीटो एसिड. इन द अबव रिएक्शन एस्पारेटिक एसिड इज अ ट्रांसफेरिड इन इट इज अमीनो ग्रुप्स NH2 टू द अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड वी सिंथेसाइज द ग्लूटामिक एसिड एज एंड रिलीज कीटो एसिड. द रिएक्शन इज अ कैटलाइज बाय द एंजाइम्स कॉल्ड इट ट्रांस माइनेसिस. अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर द सिंथेसाइज बाय देयर ट्रांसमिनेशन रिएक्शन. अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कोटाइन्स इज नाइट्रोजन. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम अमीनियम इन टू द कीटो एसिड रिप्रेजेंट द मेजर स्टेप फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बाय मॉलिक्यूल्स. दोस्तों यहाँ पर जो है पौधे द्वारा अमीनो अम्बल का संश्लेषण की बात की गई है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पौधे द्वारा जो है अमीनो अम्बल का संश्लेषण किस प्रकार होती है. जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पौधे द्वारा अमोनिया उत्पादन निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है. पहला तो हमें दिखाया गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण. दूसरा जो था नाइट्रेट के नाइट्राइड्स में अपचयन द्वारा भी होता है. यानी दो प्रक्रिया बताई गई थी. कहते हैं अमोनिया जो है NH4 संयुक्त नाइट्रोजन की सर्वाधिक उपचारित अवस्था होती है. यह अकार्बनिक संयुक्त नाइट्रोजन की सबसे अधिक अमीनो अम्बल के साथ जो है रिएक्शन करती है. यानी अमीनो अम्बल के निर्माण का मुख्य स्रोत भी मानी जाती है जो प्रोटीन एवं एंजाइम के उत्पादन का मुख्य आधार है. कहते हैं अमीनो अम्बल में दो प्रमुख रासायनिक समूह होते हैं. एक अमीनो समूह होता है एक कार्बोक्सिल समूह विद्यमान होती है. जैसे अमीनो समूह में जो है NH2 होता है और कार्बोक्सिल समूह में जो है विद्यमान होती है नेगेटिव COOH. जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्ररूप अमीनो अम्बल कारक समूह के साथ जो है जिसमें R एल्कलाइन समूह को प्रदर्शित किया गया है. ये रिएक्शन जो है RC इज अ COOH एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डायग्राम मान्य रखता है. ये जो हमारा है कहते हैं प्ररूप अमीनो अम्बल कारक समूह के प्रदर्शन करने के लिए बताया गया है. कहते हैं कि सामान्य अमीनो अम्बल में जो है R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है. यानी R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है. और कहते हैं अमीनो जो है अमोनिया अमीनो समूह का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है. परंतु कार्बोक्सिल समूह अन्य कार्बनिक अणु से मिलते हैं जिनके संश्लेषण में पौधे होते हैं. पौधे में अमीनो अम्बल के जैव संश्लेषण की दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्धारित होती है. पहला जो प्रक्रिया होती है वो होती है अपचयित अमीनोकरण. देखिए अपचयित अमीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है. इस अभिक्रिया में अमीनो एक कीटो अम्बल से अभिक्रिया करती है और कैल्वस चक्र के दौरान बना अल्फा कीटोग्लुटामिक अम्बल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्बल होती है. यानी जो क्यूवल चक्र होता है क्यूवल चक्र जो होती है ठीक है दौरान बना अल्फा कीटो ग्लुटामिक अम्बल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्बल होती है. जो कीटो अम्बल एंजाइम कृत अपचयित अमीनीकरण द्वारा अमीनो अम्बल बनाता है. यानी यहाँ पर जो रिएक्शन होता है अल्फा कीटो ग्लुकोटेरिक्स अम्बल प्लस अमोनिया यानी ग्लोटामिसिडी के डिहाइड्रोजिनस जिसमें जो है ग्लुटामिक्स अम्बल बनाता है. तो इस तरह से जो है माइनस कीटो अम्बल प्लस अमोनिया गैस की प्रमोशन होती है. कहते हैं इस प्रकार जो है एक्सलो एसिटिक अम्बल के अपचयित अमीनीकरण द्वारा जो है एसोपोटिक्स अम्बल एसोपोटिक्स एसिड का निर्माण होता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है. कहते हैं यह देखा गया है कि अपचयित अमीनीकरण पौधों को अपचयित प्रक्रिया में अमीनो के प्रवेश का मुख्य स्थान माना गया है. यहीं से जो है ग्लुटामिक्स अम्बल और इसके उपरांत अन्य अमीनो अम्बल का संश्लेषण आरंभ हो जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है. उसके पश्चात यहाँ पर बताया गया दूसरा पार्ट जो है पैरा अमीनीकरण अभिक्रिया यानी ट्रांसमिनेशन रिएक्शन. तो पैरा अमीनीकरण अभिक्रिया जो है ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन इसमें जो है अमीनो अम्बल के जैव संश्लेषण की यह दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है. इस अभिक्रिया में पहले से संश्लेषित अमीनो अम्बल से अमीनो समूह का स्थानांतरण कीटो अम्बल को हो जाते हैं यानी कीटो अम्बल को होते हैं जिसमें जो है अल्फा कीटोग्लुटामिक अम्बल और एसोपोटिक अम्बल बनाता है जिसमें
ऐसा मीजोम्स यानी ग्लोटोमिक्स अम्बल और एक्सलो पाया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं उपरोक्त अभिक्रिया से जो है स्पोर्टिक्स अम्बल अपना एम्यूनो समूह यानी NH2 अल्फा कीटो ग्लोटारिक्स अम्बल को स्थानांतरित कर जो है ग्लोटोमिक अम्बल का संश्लेषण करता है तथा कीटो अम्बल जो है मुक्त करता है। यह अभिक्रिया जो है ट्रांस एमिनोज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है और इस विधि द्वारा है अनेकों अमीनो अम्बल का जो है यहाँ पर संश्लेषण होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं साथ में जो है अमीनो अम्बल नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु का संश्लेषण कीटो अम्लों में अमोनिया से अमीनो समूह का जुड़ने का एक प्रमुख चरण भी माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा 10th चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 11th चैप्टर, तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और देखते रहें त्रिपान स्टडी सेंटर को, क्योंकि इसमें जो है बायोलॉजी की हर एक सब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, साथ में जो है कई क्लासों के लिए जो इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन आप अपना कार्य मत भूलिएगा कि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात जो है सदैव ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन एक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे बच्चे तक पहुंचाना, क्योंकि ये कार्य मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जो है जितना हो सके इसको दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं जो दूसरे के लिए हेल्प करता है सदैव परमात्मा भी उसको हेल्प करता है। ठीक है, नेचर भी इसी रूप से बना हुआ है। कहते हैं नेचर में भी अगर आप उसको नष्ट कीजिएगा तो वो भी आपको नष्ट कर देगा, इसीलिए अगर आप दूसरों के हेल्प कीजिएगा तो आपको भी जो है नेचर सदैव हेल्प करेगा। हर जो बुरे अवस्था में भी है जो आपको अच्छे अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात ही नहीं है ना विचार करने वाली है, ये तो दूसरे तक पहुंचाने वाली है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हो, अगर किसी को अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना कि किसी को दुखी करने वाला बात है या ज़बरदस्ती दिखाने वाली बात है। ये इच्छाओं पर निर्भर करता है कि जिस बच्चे का सिलेबस है वो देखे और इसका जो है सही जो है ज्ञान प्राप्त करे। यही सिर्फ त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुंचे और उस बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो, क्योंकि बहुत से NIUC बच्चों को जो है सिलेबस पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन टू लाइन, तो त्रिपान स्टडी सेंटर जो है लाइन टू लाइन NIUC बच्चों के लिए लेके आया है। कहते हैं साथ में जो है CBSE के जो है पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, सब बच्चे जो है इस वीडियो का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मैं जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIUC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।